महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से उमेश कोल्हे के कत्ल का ब्लैक फ्रीडम ग्रुप का कनेक्शन सामने आया है। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से ही उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश की शुरुआत हुई। उमेश कोल्हे और उनका दोस्त दो यूसुफ दोनों व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम से जुड़े हुए थे। उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में जो पोस्ट ब्लैक फ्रीडम में डाली, उसके बाद कोल्हे का पोस्ट वायरल हो गया, जो उनकी मौत की वजह बनी। ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप से उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसकी पूरी कहानी बहुत चौंकाने वाली है। उमेश कोल्हे ने 14 जून को नूपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम में डाली थी। कोल्हे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन वाला पोस्ट 20 जून को फॉरवर्ड किया था। कैसे ये पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से निकलकर बाहर आई और आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई? उमेश कोल्हे के पोस्ट को किसने आरोपियों तक पहुंचाया? सवाल उठता है कि व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम में वो कौन शख्स था जिसने उमेश कोल्हे के पोस्ट को कत्ल के आरोपियों तक वायरल किया? वो शख्स कोई और नहीं उमेश कोल्हे का दोस्त दो यूसुफ था और दोनों की दोस्ती 15 साल पुरानी थी। दो यूसुफ भी व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम का सदस्य था। नूपुर शर्मा से समर्थन की वजह से टूट गई 15 साल पुरानी दोस्ती। दो यूसुफ और उमेश कोल्हे जिगरी दोस्त थे, लेकिन 15 साल पुरानी ये दोस्ती उस वक्त टूट गई जब उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट को फॉरवर्ड किया। पुलिस के मुताबिक दो यूसुफ ही वो शख्स था जिसने ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में उमेश कोल्हे के पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में भेज दिया, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान खान भी एडमिन था। उमेश कोल्हे अमरावती शहर में मेडिकल स्टोर चलाते थे और पशुओं के इलाज की दवाई रखते थे। दो यूनुस भी वेटनरी डॉक्टर है, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे के घर भी आना जाना था, लेकिन इसके बावजूद दो यूसुफ ने सानों की दोस्ती एक पोस्ट शेयर करने की वजह से तोड़ दी और दोस्ती की पीठ पर खंजर घोंप दिया।